वाल्मीकि समाज के लोगों में संत नरेंद्र गिरी के खिलाफ रोष पनपता ही जा रहा है। मंगलवार को अनाज मंडी में आयोजित वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों की एक बैठक हुई। बैठक के बाद सैकड़ों लोग प्रदर्शन करते हुए SDM कार्यालय के बाहर पहुंचे और करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे पर संत नरेंद्र गिरी का पुतला फूका। आक्रोशित लोगों ने गिरी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और गिरी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए SDM को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल हरियाणा, मुख्यमंत्री हरियाणा, अनुसूचित जाति आयोग व मानव अधिकार आयोग के चेयर पर्सन के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके मेहर सिंह व मुकेश रानी ने कहा कि इलाहाबाद में संत नरेंद्र गिरी द्वारा भगवान वाल्मीकि के प्रति की गई आलोचनात्मक टिप्पणी से वाल्मीकि समाज की भावना को ठेस पहुंचा है। वाल्मीकि समाज किसी से कोई भेदभाव नहीं करता और राष्ट्रहित के कार्य करता रहता है। नरेंद्र गिरी की इस टिप्पणी से वाल्मीकि समाज में रोष है। गिरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रोष है और भगवान के प्रति जो हमारे प्रभु जी हैं उनके प्रति उन्होंने इतना उल्टा शब्द बोला है, इसके लिए मर मिटने के लिए बिल्कुल हो रहे हैं कि भाई हमारे प्रभु जी को इतना उल्टा शब्द बोल रहे हैं इन्होंने, तो हम सरकार से अपील करते हैं कि उसको रेस्ट किया जाए। भगवान वाल्मीकि जी के खिलाफ जो मंत गिरी ने जो शब्द बोले हैं वो बहुत ही मतलब आलोचनात्मक है। और देखो, भगवान वाल्मीकि जी कोई किसी एक के वो नहीं है, वो तो सभी के लिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का जो सभी को प्रेरणा दी है, सभी मंत हो चाहे कोई ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, सभी एजुकेशन लेकर अपनी उपाधि पर पहुंचते हैं। और उस बात हम ये मांग करते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ने जो आलोचनात्मक करी है भगवान वाल्मीकि जी की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं हमसे। इंद्री से अजा TV न्यूज़ के लिए सुरेश अनेजा की रिपोर्ट।